Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. Epic Tales of Love में आज की कहानी है बड़ी दिलचस्प और उतार चढ़ाव से भरी हुई, जो हमें ये सिखाती है कि किस तरह जवान प्यार का उतावलापन उसका दुश्मन भी बन सकता है। ये कहानी है कवि अंबिकापति और राजकुमारी अमरावती की। ग्यारहवीं सदी उरैयूर प्रेजेंट डे तमिलनाडु में चोला डायनेस्टी के कुलोत्तुंग तृतीय उरैयूर के राजा थे। उनकी एक बेटी थी अमरावती, जो बहुत ही खूबसूरत थी। राजा ने अमरावती की परवरिश में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन्हें ढेर सारे प्यार के साथ पूरी आजादी भी थी, जो उस समय की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात थी। अमरावती को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। जब उन्होंने साहित्य सीखना चाहा, तो उनके पिता ने उन्हें अपने राज्य के सबसे बड़े और प्रसिद्ध कवि कंबर से शिक्षा दिलवाई। कंबर राज दरबार के कवि थे। वो बहुत बड़े स्कॉलर थे, जिन्हें भारत की दोनों प्राचीन भाषाओं तमिल और संस्कृत में सिद्धि प्राप्त थी। लेकिन उन्हें इस पर घमंड नहीं था। वो बड़े ही धार्मिक और नम्र भाव वाले व्यक्ति थे। राजा कुलोत्तुंग द्वितीय के दरबार में एक और कवि थे, जिनका नाम था ओट्टकूथर। ओट्टकूथर कंबर से जलते थे, क्योंकि राजा कुलोत्तुंग कंबर को ज्यादा पसंद करते थे। ओट्टकूथर चाहते थे कि कंबर किसी तरह राजा की नजरों में गिर जाएं और ओट्टकूथर उनकी जगह लें। कंबर को कुछ दिनों के लिए किसी काम से उरैयूर से बाहर जाना पड़ा। अपनी गैर हाजिरी में उन्होंने अमरावती की शिक्षा अपने बेटे अंबिकापति को सौंप दी। अंबिकापति बेहद गुणी और प्रभावशाली कवि थे, साथ में बड़े आकर्षक भी थे। अंबिकापति और अमरावती का हमउम्र होना दोनों की कविताओं में रुचि के कारण पहली मुलाकात से कुछ दिनों बाद ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। अमरावती हमेशा साहित्य की अगली क्लास का इंतजार करती, ताकि वो अंबिकापति को देख सके। जब दोनों मिलते तो अंबिकापति कविताओं और गीतों से अमरावती की प्रशंसा करते। देखते ही देखते दोनों का एक दूसरे के बगैर रह पाना नामुमकिन हो गया। मगर दोनों की नजदीकियां बढ़ने की खबर ओट्टकूथर के कानों तक पहुंच गई। ओट्टकूथर का खून खौल उठा। कंबर पहले ही राजा के प्रिय थे, और अब उसका बेटा राजा का दामाद बनने की कोशिश कर रहा था। ओट्टकूथर चाहता था कि अमरावती की शादी उसके दोस्त देंगी के राजकुमार कुलशेखरन से हो। ओट्टकूथर ने बिना समय गवाए राजा को अमरावती और अंबिकापति के बारे में बता दिया। राजा को विश्वास नहीं हुआ, पर ओट्टकूथर ने उनके मन में जहर घोलने का प्रयास जारी रखा। जब कंबर वापस लौटे, उन्हें अंबिकापति और अमरावती के प्यार के बारे में पता चला। कंबर जानते थे कि राजा इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे, और इससे अंबिकापति की जान को खतरा भी हो सकता है। और जब कंबर को पता चला कि ओट्टकूथर द्वारा राजा को दोनों के बारे में पता चल चुका है, वो और भी घबराने लगे। उन्होंने अपने बेटे से अमरावती को भूल जाने को कहा। ये जानते हुए कि राजा इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे, अंबिकापति और अमरावती को एक ही रास्ता नजर आया। दोनों ने साथ भाग जाने का फैसला किया। दोनों भाग तो निकले, लेकिन रास्ते में राजा के आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया। राजा ने अंबिकापति को मृत्यु दंड देने का फैसला किया, लेकिन अमरावती ने विरोध किया, ये कहकर कि इस गलती में वो भी शामिल है तो उसे भी मृत्यु दंड मिलना चाहिए। राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, उसे मौत की सजा कैसे देते। कंबर ने भी राजा से अंबिकापति की जान बख्श देने की गुजारिश की। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। ऐसे में ओट्टकूथर आगे आया। उसे कंबर से बदला लेने का मौका दिखाई पड़ा। उसने राजा को एक बड़ा ही शातिर सुझाव दिया। अगर अंबिकापति को मृत्यु दंड से बचना है, तो उसे लगातार 100 भक्ति की कविताएं सुनानी होंगी। इन कविताओं को सुनाते वक्त वो प्रीति और प्रेम जैसे भावों का वर्णन नहीं कर सकता है।
अगर अंबिकापति ऐसा कर पाता है तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। राजा को ये सुझाव अच्छा लगा और उन्होंने अंबिकापति के आगे ये चुनौती रखी। अंबिकापति ने चुनौती को स्वीकार कर लिया क्योंकि उसे विश्वास था कि वो इस कार्य में सफल रहेगा। अंबिकापति को एक रात के लिए कोठरी में बंद कर दिया गया ताकि वो भाग न सके। अगली सुबह अंबिकापति राजा के सामने पेश किया गया। ओटकूथर को यकीन था कि अंबिकापति भक्ति पर 100 कविताएं नहीं सुना पाएगा। अमरावती भी बहुत चिंतित थी, मगर अंबिकापति ने उसे विश्वास दिलाया कि वो हारेगा नहीं। परीक्षा की घड़ी शुरू हुई। अमरावती कविताओं की गिनती रख रही थी। अंबिकापति ने सरस्वती वंदना गाकर परीक्षा की शुरुआत की और फिर एक के बाद एक लगातार अंबिकापति भक्ति गीत सुनाता गया। अमरावती अपने हाथों में एक गुलाब लिए बड़े उत्साह के साथ अंबिकापति की कविताएं सुन रही थी। हर कविता के खत्म होने पर वो गुलाब से एक पंखुड़ी अलग करती। जैसे ही अंबिकापति ने 99वीं कविता सुनाई, अमरावती फूलों का हार लेकर अंबिकापति के पास भागी। अंबिकापति ने अमरावती को जैसे ही देखा, उसने एक प्यार का गीत गाया। लेकिन इससे पहले कि जीत का जश्न आगे बढ़ता, ओटकूथर ने दोनों को रोक दिया। आखिर क्या बात है, अमरावती ने सवाल किया। ओटकूथर ने बताया कि गिनती वो भी कर रहा था और उसके मुताबिक अंबिकापति ने सिर्फ 99 कविताएं सुनाई। दरअसल अमरावती ने भूल से सरस्वती वंदना को भी कविता के साथ गिन लिया, जिसे हर कवि या साहित्यकार शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले गाता है। बल्कि 100वीं भक्ति कविता सुनाने के बजाय अंबिकापति ने नियमों को तोड़कर अमरावती के लिए प्रेम गीत गाया, जिसकी वजह से वो ये शर्त हार गया। राजा ने अंबिकापति को मौत की सजा सुना दी। अमरावती को इस बात से इतना गहरा सदमा पहुंचा कि उसकी भी वहीं पर मृत्यु हो गई। अमरावती की एक छोटी सी गलती से दोनों ने अपनी जान खो दी। लेकिन जवान दिल की नादानियों और उतावलेपन को कौन नहीं समझता। अमरावती को यकीन था कि उन दोनों को एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता, जो आखिर में सच हुआ। जीवन में और मृत्यु में भी दोनों साथ थे। एपिक टेल्स ऑफ लव में बहुत ही सुंदर लोक कथा बताएंगे। सस्ती जब बागीचे में घूम रही थी तो उसने एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान की पेंटिंग देखी और सस्ती के दिल में प्यार पनप गया। सस्ती के पिता चाहते थे कि सस्ती की शादी किसी धोबी से हो। ये कहानी है राजकुमार पुन्नू और एक धोबी की लड़की सस्सी की।